पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन की झटपट बनने वाली तीखी तीखी चटनी। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए इस प्रकार है। ये मैंने एक गड्डी लहसुन क्रश कर लिया है। इसे बहुत बारीक क्रश नहीं करना, ऐसे ऐसे ठेस लेना, मिक्सी में नहीं ऐसे बाहर ही ठेस लेना। और ये आधा इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, एक खट्टा दही, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, तेल और पानी लगेगा। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई में दो बड़े वाले चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी। तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब सबसे पहले लहसुन डालेंगे। लहसुन जो है वो लहसुन डालेंगे। गैस को एकदम हम धीमा रखेंगे। इसके बाद करी पत्ते ऐड करेंगे। इसके बाद अदरक जो हमने क्रश कर लिया है वो अदरक डाल देंगे। फिर इसमें बड़े दो टेबल स्पून धना पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको एक मिनट फ्राई करेंगे। इसे ज्यादा जलाना नहीं है, एक मिनट के लिए हम धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका भून लेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, ये मैंने दो चम्मच लाल मिर्ची ले ली, इसमें मैं लगभग आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी इसमें और इसकी पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। पूरी अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद अब ये पेस्ट में कढ़ी में ऐड करती हूँ। लगभग मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया है। अपना गैस धीमा ही रखेंगे। फिर उसके बाद उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसको एक उबाल आने देंगे। लगभग दो टेबल स्पून बड़े चम्मच भर के हमने दही ऐड किया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वे डालने के बाद इसे हम लगातार हिलाएंगे, नहीं तो आपको दही फट सकता है। गैस हम ऐसे धीमा ही रखेंगे और इस चटनी को हम उबलने देंगे। गाइस ये चटनी आप जरूर ट्राई करना। ये रोटी के साथ बढ़िया लगती है, खिचड़ी के साथ भी बढ़िया लगती है, बासी रोटी के साथ तो और भी बढ़िया लगती है। ये हमारी चटनी को उबाल आ गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। देखा गाइस इस तरह से तेल छूट जाएगा अपना। कितनी प्यारी लग रही है चटनी। बस अब अपनी चटनी तैयार हो गई खाने के लिए। अब इसे मैं सर्व कर लूंगी। तो गाइस इस तरह से बनके तैयार हो गई हमारी लहसुन की तीखी चटनी। तो गाइस आपको मेरी डिश कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे डिश को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।